क्या आप जानना चाहते हैं टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में? अगर हाँ या नहीं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और इसे पूरा देखने से पहले हमारा चैनल ब्लिंक एक्स सब्सक्राइब करना न भूलें। जानते हैं व्हाट इज टोटल रिटर्न्स इंडेक्स ऑल अबाउट। अगर आपका पोर्टफोलियो 12% और इंडेक्स 11% बढ़ गया तो मतलब आपने इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है ना? नहीं, एकदम गलत। To get the real picture, Nifty stocks पर 1.5% dividend yield add करें। Now, you have underperformed the index. That is what total returns index is all about. When you consider the price returns and dividends of the index. जब आप evaluate करना चाहते हैं कि आपने कोई particular stock में invest करके कितना बनाया है, तो भरोसा करने के लिए एक अच्छा indicator है total stock returns (TRI). The TRI considers the capital gains as well as dividends paid out to capture the complete picture of stock performance. आपके portfolio में dividends और capital gains शामिल हैं, इसलिए यहाँ तक कि index में भी दोनों शामिल होने चाहिए। Now applying total returns index in real life. अब चलिए मान लीजिए आपने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा है और उस शेयर का प्राइस 110 रुपए चला गया, यानी 10% प्राइस रिटर्न। लेकिन कंपनी ने उस साल के दौरान 4 रुपए का डिविडेंड भी दिया हो सकता है। That is 4% dividend yield and translates into total returns to the investor of 14%, जिसमें 10% price returns plus 4% dividend yield शामिल है। If you compare that with just the index of hope of 12%, you would appear to have outperformed by 200 BPS. अगर निफ्टी में 1.5% की डिविडेंड यील्ड है तो निफ्टी के लिए आपका TRI है 13.5%। Your portfolio has still beaten the index but just by 50 BPS and not by 200 BPS. इसलिए TRI एक क्लियर पिक्चर देता है कि क्या स्टॉक या पोर्टफोलियो वास्तव में इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहा है या नहीं। वेल, आई होप आपको ये TRI का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.